स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव में हारती बीजेपी स्तरहीन पर षड्यंत्र पर उतर आई है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, खान पान, रीति रिवाज को संबोधित कर रहे, उसको आगे बढ़ा रहे हैं और तो बीजेपी के दिल्ली से आए नेता भूपेश बघेल का मखौल उड़ा रहे बीजेपी के दिल्ली के नेता छत्तीसगढ़ की संस्कृति को हिकारत से देखते हैं और रमन सिंह ने उनको छोटा आदमी, चूहा, बिल्ली तक बताकर मजाक उड़ाया था। बीजेपी से बंदाश तक नहीं बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि एक छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री की चर्चा मोदी से बराबर क्यों हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कामों की तुलना लोग मोदी से बेहतर बता रहे हैं, इसलिए भाजपा गाली गलौज से उतर आई है। यही बीजेपी का फांसीवाद चरित्र है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और अब प्रधानमंत्री में नैतिकता बची हो तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से माफी मांगे। आइए आपको सुनाते हैं उनका पूरा बयान। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गाली गलौज और अपशब्दों पर उतर आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कल जिस भाषा का प्रयोग आमसभा में किया, अमूमन ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती कि एक मुख्यमंत्री के लिए, प्रदेश के दो तिहाई बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग देश का प्रधानमंत्री करेगा। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, निश्चित तौर पर उन्होंने अपने भाषा से, अपनी शैली से प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिराई है। पश्चिम बंगाल में उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था, टैंटबाजी की थी, और छत्तीसगढ़ में लगभग उसी शैली को अपनाते हुए प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ अनर्गल बातों का प्रयोग कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री की नकल उतार के उनके जो दूसरे छुटभैये नेता हैं, उनसे जो अधीनस्थ मंत्री हैं, वो सब भी लगातार मुख्यमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र पर उतर आई है। भूपेश बघेल के कामों की तुलना लोग नरेंद्र मोदी से करते हैं और नरेंद्र मोदी से ज्यादा बेहतर काम भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ मॉडल कर रहा है, इसको जनता देख रही है, स्वीकार कर रही है। तो इस बौखलाहट में प्रधानमंत्री से लेकर उनके जितने नेता हैं वो भूपेश बघेल जी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने लगे हैं। आप सबको याद होगा, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह भूपेश बघेल के प्रति इतने ज्यादा शर्मनाक शब्दों का उपयोग कर चुके हैं, उन्हें छोटा आदमी बता चुके हैं, उन्हें चूहा बता चुके हैं, बिल्ली बता चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़िया आदमी से इतनी ज्यादा हिकारत क्यों करती है, यह सवाल खड़ा होता है। इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के खिलाफ 10वें वर्ष के कुछ महीने बचे हैं, आप खिलाफ अनर्गल बातें करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, ईडी को भेजते हैं, ईडी के माध्यम से जबरिया एक जगह पैसा रखवाते हैं, एक ड्राइवर के माध्यम से उसका झूठा बयान लिखवाते हैं और उस बयान के आधार पर प्रेस नोट जारी करवाते हैं। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इस प्रकार का षड्यंत्र करने के बाद बेशर्मी पूर्वक आप मुख्यमंत्री के ऊपर में भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाते हैं। आप बोलते हैं कि 508 करोड़ लिखिए तो क्या आएगा, देखिए। अरे मोदी जी, इस देश ने गूगल को हजारों लाखों बार गूगल में सर्च करके देखा है कि फेकू के बाद क्या आएगा। फेकू लिखो तो नरेंद्र मोदी आता है, नरेंद्र मोदी। शर्म आपको आनी चाहिए इस प्रकार का झूठ बोलने से पहले। शर्म आपकी ईडी को आना चाहिए। और असीम दत्ता के बयान के बाद तो आप में थोड़ी भी गैरत बची है तो आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से, छत्तीसगढ़ की जनता से, छत्तीसगढ़ के ओबीसी समाज के, छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ की जनसंख्या से भूपेश बघेल के लिए प्रयोग किए गए शब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए आपको। मित्रों, ये कुछ भी कर ले, इनकी बौखलाहट बता रही है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में अब की बार 2/3 नहीं 3/4 बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस ने 2018 में अपने जन घोषणा पत्र में जिन वादों को किया था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसमें से 98% वादों को पूरा किया है और अब की बार हमने अपने घोषणा पत्र में 21 वादों को किया है और हम इन 21 वादों को भी पूरा करके दिखाएंगे। हम धान की कीमत 3200 देंगे, हम किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे,
हम अपनी गृह लक्ष्मियों को समृद्ध बनाने के लिए 15,000 सालाना देंगे। दीपावली में कांग्रेस ने एक नया तोहफा दिया है हमारी गृह लक्ष्मी माताओं बहनों के लिए, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, ये हमारी 21वीं गारंटी है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बात करती, बोलती मोदी की गारंटी। किस मोदी की गारंटी? जिस मोदी ने 15 लाख को जुमले बताया, उस मोदी की गारंटी? जिसने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करने के बाद देश का सबसे 50 साल में सबसे ज्यादा जिसकी बेरोजगारी दर है, उस मोदी की गारंटी? जो किसानों की आय दुगनी करने के वादे तो करता है लेकिन किसानों के ऊपर लाठियां चलवाता है, 700 से अधिक किसान उनके काले कानून के कारण काल को समा गए, उस मोदी की गारंटी? जिस मोदी ने आज तक अपने एक भी वादे को नहीं निभाया, उस मोदी की गारंटी? जो सिवाय भाषण के कुछ और जानता ही नहीं। कांग्रेस ने रायपुर के राजीव भवन में महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। किया ये हमारी 21वीं गारंटी है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बात करती, बोलती मोदी की गारंटी। किस मोदी की गारंटी? जिस मोदी ने 15 लाख को जुमले बताया, उस मोदी की गारंटी? जिसने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करने के बाद देश का सबसे 50 साल में सबसे ज्यादा जिसकी बेरोजगारी दर है, उस मोदी की गारंटी? जो किसानों की आय दुगनी करने के वादे तो करता लेकिन किसानों के ऊपर लाठियां चलवाता है, 700 से अधिक किसान उनके काले कानून के कारण काल को समा गए, उस मोदी की गारंटी? जिस मोदी ने आज तक अपने एक भी वादे को नहीं निभाया, उस मोदी की गारंटी? जो सिवाय भाषण के कुछ और जानता ही नहीं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ वादे 2013 में भी किया था, 2003 में भी किया था, 2008 में भी किया था। हर आदिवासी परिवार को गाय देने का 15 साल तक सरकार ने फिर नहीं दिए। हर आदिवासी परिवार से एक नौकरी देने का नहीं दिया। 2100 रुपये धान की कीमत, 300 बोनस नहीं दिए, 2400 देने का वादा किया था। और आज वो फिर से 3100 की बात करते हैं, कोई कैसे भरोसा करेगा? 3100 आप देंगे कैसे? आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी केंद्र सरकार बोलती है धान के सपोर्ट प्राइस 1 भी रुपये ज्यादा देने पर वो प्रतिबंध लगाती है, तो क्या 3100 रुपये धान की कीमत पूरे देश में करने वाली है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी धान का समर्थन मूल्य 3100 करने जा रही है? हम तो आपके इस नियम के कारण राजीव गांधी किसान न्याय योजना चला के, जो हमने कमिटमेंट किया था 2500, हम उसको देने का रास्ता निकाले थे। अब 3200 का भी हमने जो कमिटमेंट किया है उसको देने का रास्ता हमारे पास में राजीव गांधी किसान न्याय योजना है। आप बताइए कि आप कैसे पूरा करोगे? आपका तो 3100 का वादा भी जुमला साबित होगा। आप महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह देने की बात करते हैं और आपके घोषणा पत्र के समिति के अध्यक्ष बोलते हैं कि बजट कहाँ है। आज ही उनका बयान आया है विजय बघेल का कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं को इतना पैसा देने का बजट ही नहीं है। कांग्रेस ने 1500 कैसे घोषित किया? 15,000, जब 12,000 का बजट हो सकता है, 15,000 के बजट को आप डिनाई कर रहे हैं, मतलब आप कि नियत में खोट थी। आप महिलाओं से फॉर्म भरवाते हो उसको कूड़े में फेंकते हो, हमारी माताओं बहनों का मोबाइल नंबर लेकर सड़क चौराहे में फेंकते हो आप। अरे, आप का यह जो कृत्य है, आपके घर की माताएं बहनें आपको माफ नहीं करेंगी। ये बेहद अशोभनीय है कि हमारी माताओं बहनों बच्चियों का नंबर आप लिखाएं और लिखने के बाद उसको फेंक दें कूड़े में। 12,000 रुपये सालाना का लालच देके आप जो महिलाओं को भरमा रहे थे वह पूरी तरीके से आप बेनकाब हो चुके हैं। 500 सिलेंडर देने की बात करते हैं, अरे भैया, 411 रुपये से 1200 रुपये आपने पहुंचाया है। अब 500 छत्तीसगढ़ में देखोगे तो पूरे देश में आपकी केंद्र में सरकार है उसका क्या होगा? अरे, आपने साहस हो तो आज घोषित कर दो देने की। सरकार की छत्तीसगढ़ में सरकार का क्यों इंतजार कर रहे हो? यदि आप 500 में सिलेंडर देना चाहते हो तो आपकी केंद्र में सरकार है। आज प्रधानमंत्री जी शाम को टीवी में आए घोषित करने पूरे देश में फिर से सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। आप छत्तीसगढ़ के लोगों को बेवकूफ बनाते हो, वो भी गरीबी रेखा के नीचे मिलेगा। मतलब आप सिर्फ उज्ज्वला वालों को 500 में सिलेंडर देंगे? कांग्रेस ने तो वादा किया है कि अमीर गरीब कोई भी व्यक्ति जो सिलेंडर धारी है सबको 500 में सिलेंडर मिलेगा, उज्ज्वला की बहनों को 107 रुपये में मिलेगा। ये हमारा कमिटमेंट है। तो धोखा देना इनकी फितरत है, इनकी नियत है। और बड़ी दुर्भाग्यजनक बात यह है कि अब ये पूरी तरीके से गाली गलौज अब शब्दों में उतर आए हैं। इसकी कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है। चुनाव में आरोप प्रत्यारोप की अपनी एक जगह है, लोकतंत्र में बहस
और परिचर्चा की जगह है, लेकिन स्तरहीन बातों की कोई जगह नहीं है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है कि देश का प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में आकर स्तरहीन बातें करता है। उनके जो सबॉर्डिनेट केंद्रीय मंत्री हैं वो आके मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, छत्तीसगढ़ी अस्मिता पर प्रहार करते हैं, छत्तीसगढ़ की रीति नीति पर प्रहार करते हैं, इसकी कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है। निश्चित तौर पर प्रियंका जी देश की चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। छत्तीसगढ़ की सियासत में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर हलचल जारी है। सभी पार्टी स्टार प्रचारकों के साथ जनसंपर्क और रोड शो करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी राजपुर में आज रोड शो में शामिल हुई। वहीं रोड शो के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। पर हैं इस दौरान प्रियंका गांधी रोड शो कर रही हैं। आपको बता दें कि वह रायपुर पहुंची हैं, जहां पर प्रियंका गांधी ने रोड शो किया है। रोड शो करते हुए लोगों से उन्होंने अपील की है कि कांग्रेस को वोट दें। आगामी चुनाव को देखते हुए सारी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के बीच अब प्रियंका गांधी अपनी रैली लेकर रायपुर पहुंची, जहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील भी की है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी अपने रोड शो में रैली कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं रायपुर में, जहां पर भारी संख्या में कार्यकर्ता और लोग भी मौजूद हैं। रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी सभी से अपील कर रही हैं कि कांग्रेस को वोट दें और बहुमत से कांग्रेस को जिताएं। प्रियंका गांधी के रायपुर के इस रोड शो में भारी संख्या में लोग और कार्यकर्ता पहुंचे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने बड़ी तादाद में लोगों ने प्रियंका गांधी के इस रोड शो में हिस्सा लिया है। आगामी चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। वहीं प्रियंका गांधी भी अपने रोड शो में पहुंची हैं। उन्होंने रैली किया है रायपुर में, जहां पर उन्होंने लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की है। प्रियंका गांधी के इस रोड शो में भारी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। लोगों ने बहुमत से प्रियंका गांधी के इस रोड शो में हिस्सा लिया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लगातार किस तरह से इस रोड शो में भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। प्रियंका गांधी का ये रोड शो रायपुर से, जहां पर प्रियंका गांधी ने रैली की है और रैली करते हुए लोगों से जनता से बातचीत की है और लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील भी की है। रायपुर शहर में प्रियंका गांधी अपने रोड से आने की अपील भी की है उन्होंने। अब गौर है कि प्रियंका गांधी अपने रैली और रोड शो करने रायपुर पहुंची है। आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी रोड शो कर रही हैं, रैली कर रही हैं, जहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। लोगों ने प्रियंका गांधी को अपना समर्थन दिया है और बहुमत में भारी संख्या में लोग शामिल हुए हैं इस रोड शो में। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है जब प्रियंका गांधी ये रोड शो कर रही है रायपुर में, वहां पर भारी संख्या में लोग शामिल हुए हैं और पहुंचे हैं इस रैली में, प्रियंका गांधी के इस रोड शो में। प्रियंका गांधी रोड शो में लोगों से अपील कर रही है कि वो कांग्रेस को वोट करें। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने रायपुर में जनसंवाद किया, जनसंवाद करके लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस में तैयारियां जोरों पर हैं, जहां पर प्रियंका गांधी रायपुर पहुंची हैं रोड शो करने
और इस रोड शो में भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। रोड शो की तैयारियां आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। भारी संख्या में लोग शामिल हुए हैं प्रियंका गांधी के इस रोड शो में, जहां पर उन्होंने जनसंवाद किया है और लोगों से कांग्रेस को वोट करने की अपील की है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब छत्तीसगढ़ के नवागढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने आम सभा को संबोधित किया, वहीं कांग्रेस की घोषणा पत्र को याद दिलाते हुए वादों को पूरा करने की बात भी कही। और क्या कुछ कहा उन्होंने आप भी सुनिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समन कहा करो, मोदी जी क्या कर रहे, कोरोना भगाना है तो थाली बजाओ, फिर की ताली बजाओ, फिर की दिया जलाओ, कोरोना भागे नहीं भागे, लौट लौट के मोदी जी 2014 बोले से 15 लाख तुम्हारे खाता में डालू तेरी से सबके केरी की नहीं केरी से डाली, अब 12,000 बार गारंटी देवा, जिन 15 लाख नहीं दे सके तेन 12,000 का दी तो अगर बात से पता जाओ वो तो इतने रे एक आमल दू वही तोर कहलता हूं लेकिन मन हाना कैसे नहीं अभी मुंगेली मारी अब कहा आते थे मेरी गारंटी है अब तो पैक करेंगे 15 लाख देश में काला धन है इसने विदेश में नहीं सब देश के नोटबंदी करे सबके पैसा जमा हो गए वीजा माले लेके भाग कांग्रेस पार्टी किसान के पार्टी मजदूर के पार्टी महिला और नौजवान के पार्टी राहुल गांधी जी हमारे नेता कहते कि हमारे सरकार बनाओ हम 10 दिन में कर्जा माफ करो हुई कि नहीं हुई हम मोदी जी कहा कि थे मोदी जी तुहर मन के किसान मन के नेता नो है वो अडानी अंबानी के नेता है 24 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करे उत्तर मन के मतलब भाजपा रोड दू उद्योगपति मन के कर्जा माफ हुई और कांग्रेस रोड दू तो किसान मन के कर्जा माफ ये बहनी मन है एक ह्यूमन महिला बालिका से लोन ले ह्यूमन सक्षम योजना में लोन ले एक मन के कर्जा माफ हमन भेदभाव नहीं करें राशन देना है चाहे एपीएल हो बीपीएल हो सबके ऋण माफी करें सबके 2500 रुपये हम दान करी दें सबके लेकिन ये मन का है कहा राशन दीज एपीएल एपीएल वाले दे दें और दीज तो राशन कार्ड लग कार्ड दीज और दीज तो 7 किलो और हमारे में 35 किलो सब बिजली बिल हाँ सबके है ना झम्मन के विजय बघेल के हुई थे जावेद के हुई थे है ना विधवा भैया कोई थे सब कोई तो क्या अरे रमन सिंह के हो है हम को से दया लाल के हूँ 400 लीटर की बिजली बिल हाफ हो अमन भेद नहीं कर अब वो मन कहा थे उज्ज्वला वाला 500 देव कहा और बचत ला नहीं दे और हम कहा था कि 500 रुपया जिसका भी गैस सिलेंडर भरवाई चाहे वह गैस कनेक्शन उज्ज्वला के हो चाहे सामान्य कनेक्शन हो चाहे वो महिला के नाम से हो चाहे पुरुष के नाम से हो सबके खाते में 500 रुपया जाए और ये उज्ज्वला वाला मन लो तो 107 रुपया पड़ी आज की कीमत
केवल 107 हम 5 संसाध हमें 107 ये मन का कहा थे 12,000 रुपया मातृ वंदना फार्म भरवा। अरे हम ऋण माफी करें फार्म भरवाए हम 25 संसाधन करके फार्म भरवाए थे नहीं भरवाए ना ये मन का पर फार्म भरवा जमा कहां करवाते भाजपा कार्यालय नाली मनक पड़े गुरु मनक पड़े और तुम्हारा फोन नंबर अलग याद है। लेकिन हम एक आवेदन हम आज वो काम के विवाहित मिलन मिली और हम कहा था हमारी योजना है हम लक्ष्मी पूजा के रोज जारी करें और लक्ष्मी पूजा जारी करें और दिन कहें कि छत्तीसगढ़ श्री लक्ष्मी योजना हम सरकार बनी नमन ये प्रोग्राम लॉन्च करवो है ना। लक्ष्मी कौन है घर के मातारी तेनो लक्ष्मी घर में जिन भाई है तेनो लक्ष्मी और घर में बेटी तेनो लक्ष्मी है कि नहीं। अब वो कहा कि विवाहित महिला तो बेटी में ना जन विवाह नहीं करे इतना वो गलती कर रहे हैं वो नहीं मिलना चाहिए मिलना चाहिए मिलना चाहिए बताओ भाई और बताओ बेटी मना मिलना चाहिए कि मिलना चाहिए। और घर घर में मान लो विधवा कौन महिला है डोकरी दाई विधवा हो गए वो नहीं मिलना चाहिए कोई बेटी घर में बैठ के शादी हो सकता है वो नहीं मिलना चाहिए का बोला जरूरत नहीं है हम अनभेद नहीं करें जब का हमारे पास गृह लक्ष्मी है चाहे बेटी हो बहू हो मातारी हो वो सब ला हमारे सरकार बनी तो 15,000 रुपया साल सब ला भेद हम नहीं करा ये मन भेद करते तो हमारे सरकार बनी तो फिर से किसान के ऋण माफी हुई 3,500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी हुई 200 लीटर के बिजली बिल फ्री रही और साथ जब तक यूं मतलब बता देता हूं जेकर बिजली बिल 200 लीटर का है कि बिजली बिल जमा नहीं कर पटाए कमाने में मतलब गांव में 70-80% आदमी मतलब बिजली बिल पटाए जरूरत नहीं है इलाज फ्री हुई। और सबसे बड़े बात हिन्दुस्तान में कोनो राज्य में नहीं हुए जो छत्तीसगढ़ में आपके आशीर्वाद से लागू हुई केजी से लेकर पीजी तक पहली कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक चाहे वो कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज हो मेडिकल कॉलेज हो एग्रीकल्चर कोई कॉलेज शासकीय कॉलेज हो एक पैसा पटाया की जरूरत नहीं है ताकि गरीब के लड़का भी डॉक्टर बन सके इंजीनियर बन सके किसान के घर पे बन जाए कौन किसान के लेकर कौन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए घर घर द्वार जमीन जायदाद ठीक है ना। अब पूरा एजुकेशन फ्री। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं 15 दिन में बटन दबाता हूं तो गोबर पे जाइए मन के खाता में पैसा जाते वर्मी कंपोस्ट में जाइए मन के खाता में पैसा जाते महीना दिन में बेरोजगार साथी खाता में पैसा जाते 3 महीना में किसान मन के खाता में पैसा जाते 6 महीना में मजदूर मन के खाता में पैसा जाते राजीव विधान क्लब के खाता में पैसा जाते के जन राजीव विधान क्लब के जाते नहीं जाए पैसा जाते ना। अब तो 17 तारीख है तुम बटन से पकड़ा है कामे बटन दबो हाँ उड़ा बदलाओ कामे बटन दबो सबो जन हाथ उड़ाओ बदलाओ कामे बटन दबो। ये जो लड़ाई है छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होना है और इससे पहले बीजेपी के दिग्गज नेता राज्य में चुनावी रैली को संबोधित कर रही है। वहीं पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में महासमुंद में विजय संकल्प महारैली में अपना जनता को संबोधित करने के बाद क्या कुछ कहा उन्होंने आपको भी सुनाते हैं। भाजपा आवत है भाजपा और दमदार तरीके से आवत है। 7 तारीख और 17 तारीख मिलकर यहां के कांग्रेस के 30% वाले कक्का का सरकार से जाना पक्का कर रही है। पिछले 5 साल
इसका छत्तीसगढ़ हकदार है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस किस तरह आपको धोखा देती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण गरीब को घर देने वाली जो योजना है वो सबसे बड़ा उदाहरण है। गरीब का सबसे बड़ा सपना होता है, हर परिवार का सपना होता है ओबीसी, दलित और आदिवासी परिवारों की है। इसलिए जब मैं 2000 फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही, अब आपसे लेंगे विदा, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इक्कीसवीं शताब्दी का तीसरा दशक।